अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फैज़ल। हम आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12। आज पढ़ेंगे कि मर्क्यू टेक क्या होता है। तो देखो दोस्तों, मर्क्यू टेक के बारे में आज पढ़ते हैं। मर्क्यू टेक जो है एक एनिमेटेड टैग है। अगर आपने किसी भी न्यूज़ चैनल में चैनल की वीडियो में लास्ट में आपने एक सेंटेंस एक जुमले को एनिमेट करते हुए देखा है तो उसे मार्क्यू कहते हैं। तो ये मर्क्यू टेक जो है वो भी बिल्कुल इसी तरह काम कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मर्क्यू टेक कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले लेस देन मार्क्यू, ये इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा दिस दिस इज मार्क्यू टैग्स, ये मैंने लिख दिया। जब मैं इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेता हूँ और ब्राउज़र पे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से आते हुए और यहाँ से जो है चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकलते हुए और यहाँ से बाहर चला जाएगा, बस स्लो स्लो चलता जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड में तेज़ करूँ तो इसके लिए एक एट्रीब्यूट आते हैं। अभी जो है सारे एट्रीब्यूट की गेम है। अभी ये मार्क्यू तो मैंने लिख दिया, सारे हम लोग अभी एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड करेंगे। एक एट्रीब्यूट आता है स्पीड करने के लिए जिसका नाम है स्क्रोल अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 33 स्पीड में करा देता हूँ। अब इसके बाद जितनी आप स्पीड बढ़ाओगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 33 स्पीड हुआ और 40 50 तक आप पहुँच जाओगे और भी स्पीड बढ़ जाएगा। अगर आप नीचे आते हो 30 हुआ, 20 15 इसी तरह 10, ये स्पीड इसका कम होता जाएगा। अब यहाँ पे इसकी स्पीड देखते हैं, देखो स्लो चलता रहा, अब स्पीड जो है तेज़ होता जा रहा है। अब अगर देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आते हुए आ जाए और यहाँ पर रुक जाए और चक्कर ना लगाए, एक चक्कर लगा दे और यहाँ पे रुक जाए, तो क्या हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे? इसके लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बिहेवियर। बिहेवियर और यहाँ पे स्लाइड उसकी वैल्यू है, सेव करते हैं और यहाँ पे रुक जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ से चक्कर लगाते हुए यहाँ पे रुक गया। अब जब मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, फिर से यहाँ से निकल गया और यहाँ पे रुक जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राउज़र की इस दीवार से ये टकरा जाए और फिर इस दीवार से टकरा जाए, अंदर ना चला जाए, इस दीवार से और इस दीवार से सिर्फ टकराते जाए, उसके लिए कौन सी वैल्यू हो, प्रॉपर्टी होगा? यही बिहेवियर की तीन प्रॉपर्टी है, वैल्यूज़ है। एक स्लाइड था, दूसरा क्या है, अल्टरनेटिव अल्टरनेट है। अल्टरनेट जो है वो ये काम कर रहा है कि एक दीवार से दूसरी दीवार तक टकराने वाले जो वैल्यू है वो है, सिर्फ इस दीवार और इस दीवार से टकराएगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। अब अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो चक्कर लगा दे, दो चक्कर लगाने के बाद जो है ये गायब हो जाए, फिर यहाँ पे शो ना हो जाए, मतलब लूप हम लोग लगा दे कि कितने चक्कर लगाना चाहिए, इसको मैं स्क्रूल कर देता हूँ। ये बिहेवियर की जो वैल्यू है वो बाई डिफ़ॉल्ट स्क्रूल होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि दो चक्कर लगाने के बाद ये गायब होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने दो लगा दिया, अब यहाँ से ये एक चक्कर लगा देगा, इसके बाद एक और चक्कर, दो इस चक्कर लगाने के बाद जो है ये गायब हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये गायब हुआ, अब यहाँ पे नहीं दिखेगा। जब फिर से मैं रिफ़्रेश कर लूँ, फिर से यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद ये मैं ख़त्म करा देता हूँ। इसी मार्क्यू में आप जो है बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीजी कलर इसमें मैं कर देता हूँ येलो येलो ग्रीन। अब इसकी बैकग्राउंड कलर भी है, इस बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है ये मूवमेंट करेगा, ठीक है। और एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इस दिस इज़ कंटेंट, ये मार्क्यू जो मैंने लिखा है इसको मैं एक हेडिंग में लाना चाहता हूँ। हेडिंग में ले आऊँगा इसको, इसकी क्लोजिंग टैग को यहाँ से मैं कट करके इसकी लास्ट में मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब जब मैं इसको कंट्रोल इससे सेव करता हूँ, अब देखना दोस्तों ये किस तरह शो होगा हम लोग के सामने। देखो, क्योंकि मैंने हेडिंग वन में लिखा है इसको, इस वजह से इसने जो है हाइट भी लिया और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो भी बड़ा हुआ। इसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है, वो हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस माउस को इस हेडिंग के पास ले जाता हूँ, इसको रुकना चाहिए, और जब मैं इसको हटा देता हूँ माउस को, वापस स्टार्ट होना चाहिए, मतलब माउस होवर होने पर स्टॉप होना चाहिए, माउस हटाने पर यह स्टार्ट होना चाहिए। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी और वैल्यू है, तो चलिए देखते हैं। ये जो मार्क्यू टैग है ये यहाँ इसकी लास्ट में बिल्कुल यहाँ पे मैं लिखूँगा ऑन माउस होवर, यहाँ पे लिखो
स्टॉप, फिर यहाँ पे इसको सिर्फ कोमा कॉलन लगा दो। इसके साथ एक और एट्रीब्यूट भी है, ऑन माउस आउट स्टार्ट, ये लगा दिया। इसके बाद कंट्रोल इसे मैं सेव कर लेता हूँ। देखो जब मैं माउस ले जाता हूँ ये रुक जाता है, और हटाने पे जो है ना फिर से स्टार्ट हो जाता है, मूवमेंट कर लेता है। जब मैं रुक जाता है इसको ऑन माउस ओवर कहते हैं, और जब मैं हटा देता हूँ फिर से स्टार्ट होने को ऑन माउस आउट कहते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि इसकी हाइट दे दो, इसकी हाइट भी हम लोग लगा सकते हैं, विड्थ भी लगा सकते हैं। मैं एक इसकी विड्थ लगा देता हूँ। विड्थ में कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये 500 पिक्सल विड्थ ले ले, और इसके बाद जितने ब्राउज़र है वो सारे फारिग हो जाए। अब ये इसकी 500 पिक्सल इसकी विड्थ आया, और ये ब्राउज़र यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फारिग हुआ। अब अगर आप हाइट लाना चाहते हो तो हाइट भी लगा सकते हो। ये कुछ वैल्यू है जो आप मार्क्यू में हम लोग लगा सकते हैं। हाइट में 100 पिक्सल ले लेता हूँ। अब यहाँ से जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देखो दोस्तों इसकी हाइट जो है 100 पिक्सल आया, फिर जो है वो 500 पिक्सल। जितने मतलब आप चाहते हो पिक्सल हाइट और विड्थ आप लगा सकते हो। और ये जो मार्क्यू टैग है ये आप कुछ भी लगा सकते हो, आप चेंज करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने दिस इज़ मार्क्यू लिख दिया, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि मार्क्यू टैग में जितने भी एट्रीब्यूट्स थे मैंने सब कंप्लीट करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह रहमान मुझसे भी कोई भी ऐसी एट्रीब्यूट नहीं छूटा होगा कि मैंने नहीं लिखा हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा मार्क्यू टैग क्या होता है। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।